बुलढाणा जिल्ह्याच्या मलकापूर परिसरातील पकडलेले विषारी बिन विषारी साप जंगल परिसरात न सोडता थेट मलकापूर शहरातील उपजिल्हा रुग्णालयाच्या परिसरात सोडण्यात येत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या संदर्भात त्या सर्पमित्राचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. मलकापूर शहरातील मध्यभागी असलेल्या उपजिल्हा रुग्णालयात सद्यस्थितीत कोविड केअर सेंटर असून या सेंटरमध्ये कोरोनाबाधित रुग्णांवर उपचार केला जातो. तसेच अनेक जण येथे कोरोना चाचणीकरिता दिवसभर रांगेत उभे असतात. अशा गंभीर परिस्थितीत शहरातील एका अक्रम नामक सर्पमित्राने उपजिल्हा रुग्णालयाच्या पाठीमागील परिसरात काही विषारी व बिनविषारी सर्प पिशवीत आणून सोडले. हा प्रकार सुरू असतानाच उपजिल्हा रुग्णालयातील काही कर्मचारी परिसराची साफसफाई करीत होते. दरम्यान एकामागून एक काही साप त्यांच्या निदर्शनास पडले असता त्यांनी एवढे साप कसे निघत आहेत या बाबीचा शोध घेत पाठीमागच्या परिसरात गेले असता हा अक्रम नामक तरुण येथे साप असलेल्या पिशवींसह आढळून आला. त्याला कर्मचाऱ्यांनी हटकले व संतापही व्यक्त केला. रुग्णालयाच्या परिसरात सोडण्यात आलेल्या 20 ते 25 सापांपैकी काही विषारी तर काही बिनविषारी होते. महत्वाचे म्हणजे यातील 8 ते 10 साप मृतावस्थेत होते तर काही अर्धमेल्या अवस्थेत होते. त्याला रंगेहात पकडल्यानंतर यातील काही जिवंत असलेले विषारी साप त्याला पुन्हा कर्मचाऱ्यांनी पिशवीत भरण्यास भाग पाडले व ते साप कर्मचाऱ्यांनी शेतशिवार परिसरात नेऊन सोडले. त्या मृत असलेल्या सापांना जमिनीत गाडून टाकले. तसेच येथे आता दिसू नको अशी तंबी त्या सर्पमित्राला दिली. मेरा नाम दीपक मनोहर घुसर है और मैं यहाँ कर्मचारी हूँ सरकारी दवाखाने के अंदर. और यहाँ हम सब साफ सफाई कर रहे थे. साफ सफाई करने के टाइम पे यहाँ पे हमको सांप दिखे. सांप दिखने के बाद में हमने देखे कि भाई एक सांप आता अनेक सांप कैसे क्या आ रहे. फिर ये देखने के बाद में हमने जब पीछे जाके देखा तो एक अक्रम नाम का व्यक्ति था मलकापुर का और वो आ रहा और यहाँ साफ छोड़ रहा. हमने उनको समझाया सब बातें किया. हमको यहाँ काम करना पड़ता और यहाँ कोविड सेंटर है. यहाँ पे कोविड की तपास नहीं होती सब होती. वो व्यक्ति को समझाने के बाद में भी वो व्यक्ति समझ नहीं पा रहा. फिर उसका क्या करना. आप लोग देखो 20 से 25 साँप थे. इसमें से कुछ 8-10 साँप मरे हुए थे और कुछ 10-15 जिंदे थे. वो जब छोड़ रहा था तो उनने थैलिया यहाँ ही छोड़ के फैलेगा तो कुछ साँप को हमने लिया के सूर्या होटल के पीछे थोड़े मरे हुए साँप हमने दफन कर दिए. ऐसा किया नहीं अभी तक नहीं दिए. हमने बोले कि जान दो वो आदमी भाई वो साँप पकड़ के उसका पेट भरता तो इसके वजह से हमने बोले कि जान दो खरीब आदमी है. लेकिन वो हमेशा ही कर रहा. एक दिन किया तो समझा दी थी हमने उसको. लेकिन वो हमेशा ही उसका सरकार दवाखाने जा रहा. यहाँ पे कवि सेंटर है. यहाँ कवि सेंटर के बाद में यहाँ 17 समाज के लोग है सब. यहाँ पे कोई खाना खाता कोई सोता कोई बैठता. ये ऐसा होने के बाद में किसी के साथ में कुछ हादसा हो गया तो उसका जवाबदार कौन रहे. अंदर साँप कोबरा थे धामन थी बड़े बड़े साँप थे और हर किस्म के साँप थे उसके अंदर. और वो पकड़ के वो कुछ मर गए थे भी बेचारे. कुछ जिंदे थे तो कुछ सूर्य होटल के बाद ले गए छोड़े हमने. और कुछ साँप को तपन कर दिया हमने हमारे हाथ से. बढ़ती बीमारियों से जंग है जारी. अपनों की सुरक्षा है अपनी जिम्मेदारी. इसलिए हमने इनसे लड़ने की है पूरी तैयारी नए फॉर्मूला के साथ. क्लिनिसोल एंटीसेप्टिक लिक्विड जो मारे 99.9% तक बैक्टीरिया और वायरसेस को. बीमारियों का होगा अब बिस्तर गोल. कोरोना से भी बचाएगा क्लिनिसोल. देश में बना देश का अपना ब्रांड क्लिनिसोल एंटीसेप्टिक लिक्विड मेक इन इंडिया एंड वोकल फॉर लोकल की राह में एक कदम आप भी बढ़ाएं और क्लिनिसोल एंटीसेप्टिक लिक्विड को घर ले आएं. स्वदेशी अपनाएं देश बचाएं.